गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर चल रहा है एमस वर्क। क्या चल रहा है? एम एस वर्क, ठीक है, यानी के माइक्रोसॉफ्ट वर्क। हमने पढ़ा था कि जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है उसका हम यूज करते हैं डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज करते हैं। सिंपली जो एमएस वर्ड है वो एक डॉक्यूमेंट्री क्रिएट सॉफ्टवेयर होता है जो कि हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्या देता है, आपको ऑप्शंस प्रोवाइड करता है जिसकी हेल्प से हम अपने डेटा यानी कि अपने डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमें कलर डालना है अपने टेक्स्ट पर, हम वो कर सकते हैं। हमें फॉन्ट चेंज करना है, हम वो कर सकते हैं इजीली, है ना। तो ये सब क्या है, हम अपने फॉन्ट अपने डॉक्यूमेंट को एक क्रिएटिव बनाने के लिए भी हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमें अलग अलग टाइप्स के टूल्स प्रोवाइड करता है, या ये कहो कि वो हमें वेरियस टूल्स देता है। या तो हमें अपने पेज की सेटिंग करनी है, हमें अपने डॉक्यूमेंट की सेटिंग करनी है, ठीक है, या हमें अपने पेज पर कोई मार्जिन सेट करना है, या हमें अपने डॉक्यूमेंट का मार्जिन सेट करना है, दोनों बातें हैं। तो दोनों ही हम इजीली जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। जो जिस तरीके से हम प्रिंट आउट निकालेंगे अपने पेपर का, अपने पेज का, तो वो किस तरीके से निकालेंगे वो भी हमें एग्जैक्टली जो है हमें शो हो जाता है। एमएस वर्ड हमें अलग अलग टाइप्स के पेजेस के व्यू भी देता है, 5 टाइप्स के, ठीक है, जिसमें हम अलग अलग जो हमारा पेज है उसका व्यू लेकर, उसका व्यू देख कर जो है हम अपना वो ईजिली जो है हमारा काम हो सकता है, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को स्टार्ट करने के लिए, ओपन करने के लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे, देन हम जाएंगे ऑल प्रोग्राम। ऑल प्रोग्राम में जाने के बाद हम ओपन करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पार्ट होता है एमएस वर्ड। एमएस वर्ड पर हम क्लिक करेंगे और हमारा एमएस वर्ड ओपन हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, ईजी है। फिर हमने कुछ पढ़ा था कि इसमें फाइल टैब होती है ना, क्विक एक्सेस टूल बार होता है, रिबन्स होते हैं, रिबन्स पे टैब होती है, ग्रुप्स होते हैं, कमांड्स होती है, तो ये सब हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। टाइटल बार मैंने बताया था कि जो हमारी फाइल होती है वो हमारे फाइल के नेम को एंड एप्लीकेशन के नेम को कौन दिखाता है, टाइटल बार शो करता है। रूलर क्या होता है, रूलर स्टूडेंट्स मैंने आपको बना के भी दिखाया था कि जो रूलर होता है वो स्केल की तरह होता है, ठीक है। हम उससे क्या कर सकते हैं, अपने पेज का जो मार्जिन है वो हम सेट कर सकते हैं ईजिली। अगर हमें टेबल बनानी है तो हम वो भी क्या है कर सकते हैं ईजिली, ठीक है। मतलब रूलर वर्टिकल भी होता है और हॉरिजॉन्टल भी, लेकिन टू टाइप्स का हमारा जो है रूलर होता है, ठीक है। तो हेल्प क्या करता है, हेल्प का मतलब होता है स्टूडेंट्स, मान लो आपका पर्टिकुलर कोई वर्ड है, ठीक है, कोई सब्जेक्ट है, उसके ऊपर आपको पूरा एक पैराग्राफ चाहिए, ठीक है, तो वो सारा का सारा जो हेल्प आइकन्स पे आप टाइप करोगे तो वो पूरा डिटेल जो है उसके अंदर शो हो जाती है। जूम कंट्रोल का क्या मतलब होता है, जूम कंट्रोल लेट यू जूम इन फॉर अ क्लोजर लुक एट योर टेक्स्ट। द जूम कंट्रोल कंसिस्ट ऑफ अ स्लाइडर दैट यू कैन स्लाइड लेफ्ट और राइट टू जूम इन, यानी कि हमारे पास देखो हम जूम इन करेंगे तो वो हमें इंटरनल जो गहराई से दिखाई देगा। जूम यानी कि एक माइनस का सिंबल होता है, एक प्लस का सिंबल होता है। प्लस का सिंबल होता है जूम आउट करने के लिए, माइनस का होता है जूम इन करने के लिए। व्यू बटन, द ग्रुप ऑफ 5 बटन लोकेट टू द लेफ्ट ऑफ द जूम कंट्रोल नियर द बॉटम ऑफ द स्क्रीन। लेट यू स्विच थ्रू द वर्ड्स वेरियस डॉक्यूमेंट व्यू। तो हमारा जो होता है स्टूडेंट्स व्यू बटन, तो व्यू बटन में आपके पास पहला होगा
रिपीट है, arrow
डायलॉग बॉक्स लॉन्चर का मतलब होता है कि मान लो आपने कोई भी ऑप्शन लिया, आप कोई भी ऑप्शन का यूज कर रहे हो, तो उसके जो है अलग से एक डायलॉग बॉक्स एमएस वर्ड क्या वो ओपन कर देता है राइट हैंड साइड। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एंटरिंग टेक्स्ट। एंटरिंग जो टेक्स्ट होता है, डॉक्यूमेंट एरिया इज द एरिया वे यू टाइप योर टेक्स्ट। जो आपका डॉक्यूमेंट एरिया होता है वो क्या है, आप जहाँ पर अपना टेक्स्ट जो है वो टाइप करते हो। ठीक है, द फ्लैशिंग वर्टिकल बार इज कॉल्ड द इंसर्शन पॉइंट एंड इट रिप्रेजेंट द लोकेशन वेयर द टेक्स्ट। मतलब जो आपका कर्सर होता है उसको बोला जाता है इंसर्टिंग पॉइंट। Keep the cursor at the text insertion point and start type the text. आप टेक्स्ट कितना स्टार्ट करें तो वो क्या है, इजीली लिखा जाएगा। भी टाइप ऑल टू वर्ड हेलो वर्ड हेलो वर्ड एज शोन इन फिगर ऑन द नेक्स्ट पेज। ठीक है, द टेक्स्ट अपीयर ऑन द लेफ्ट ऑफ द इंसर्शन पॉइंट एज यू टाइप। The two important point that will help you while typing are, तो आपको यहाँ पे बताया गया है कि टू जो पॉइंट है इम्पॉर्टेंट वो कौन कौन से। यू डू नॉट नीड टू प्रेस एंटर टू स्टार्ट अ न्यू लाइन। यस, सिंपल, जब आप लिखते जाओगे तो आपको एंटर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन जो है वो शुरू हो जाएगी। एज द इंसर्शन पॉइंट reach the end of the line, word automatically start a new word. ठीक है, you will need to press enter to add a new paragraph. ठीक है, when you want to add more than one space between word, use the tab key instead of the space bar. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया गया है, यहाँ पे बताया गया है कि आपको नेक्स्ट लाइन को शुरू करने के लिए एंटर का यूज नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो इंसर्शन पॉइंट होता है ऑटोमेटिकली जो आपकी नेक्स्ट लाइन है वो शुरू हो जाती है, लेकिन जब आपको पैराग्राफ शुरू करना है तो आप एंटर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे कि सेव अ न्यू डॉक्यूमेंट, हम सेव किसे कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट। तो मैंने आपको एक शॉर्टकट भी लिखवाई थी, कंट्रोल प्लस एस इज इक्वल टू सेव। सेव करने के लिए हम कंट्रोल एस का यूज कर सकते हैं। वंस यू आर डन विद टाइपिंग इन योर न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट, इट इज टाइम टू सेव योर डॉक्यूमेंट टू अवॉइड लूजिंग वर्क यू हैव डन ऑन अ वर्ड डॉक्यूमेंट। फॉलोइंग आर द स्टेप टू सेव एंड एडिट वर्ड डॉक्यूमेंट। फर्स्ट, क्लिक द फाइल टैब एंड सेलेक्ट द सेव ऑप्शन। ठीक है, हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और क्या है, सेव फाइल पे जाएंगे और सेव का ऑप्शन प्रेस करेंगे। सेव एज यहाँ पे बोला गया, सेव एज यहाँ पे इसलिए बोला गया है कि अगर आपने अपनी फाइल को पहले सेव कर रखा है, अगर आप चाहते हो अपनी फाइल को रीनेम करना तो हम सेव एज का यूज करेंगे। सिलेक्ट अ फोल्डर वेयर यू विल लाइक टू सेव द डॉक्यूमेंट, एंटर द फाइल नेम which you want to give to your document and select the save as option. By default it is the अच्छा, अब क्या होता है, यहाँ पे बताया गया है .doc, क्या बताया गया है .docx, यानी कि ये होता है extension, students extension क्या होता है, एक तो जिस भी एप्लीकेशन में हम काम कर रहे होते हैं उसका अपना अलग से एक एक्सटेंशन जो है वो डिफाइन किया गया है, यानी कि हम वर्ड में काम कर रहे हैं तो .docx जो है हमारा एक्सटेंशन है इसका एमएस वर्ड, यानी कि एमएस वर्ड की जो फाइल है वो इसी एक्सटेंशन में सेव करी जाती है, तो वो होता है एक्सटेंशन। ठीक है, सेव करने के लिए हम क्या करेंगे, ये है शॉर्टकट। अब आपको लॉन्गकट जाना है तो आप क्या करोगे, फाइल मेन्यू पे जाओगे, इसके अंदर क्या होता है, एक होता है सेव, एक होता है सेव एज।
सेव में तो अपनी न्यू फाइल जो हम सेव करते हैं, सेव ऐसा होता है जो हमने फाइल को सेव किया हुआ है उसको नया नाम देना, ठीक है। तो ये एक बार ध्यान से अपने कॉपी में जो है वो लिख लो, देख लो। क्लिक ऑन द सेव बटन एंड योर डॉक्यूमेंट विल बी सेव। आप जब अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर रहे हो, इम्पोर्टेंट है दो चीजें। एक है एक्सटेंशन, कि एक्सटेंशन में किस, या तो आप अपनी फाइल किसी फोल्डर में सेव करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। आपको एक्सटेंशन डिफाइन करना पड़ेगा और फाइल का नाम देना पड़ेगा, है ना। विदाउट नेमिंग के तो आप नहीं कर सकते ना, हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारी जो फाइल है वो किस नाम से है, कौन सी है, है ना। तो वो हम क्या है, इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ओपनिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट। अब हमने सेव तो कर लिया, अब हमने सेव कर लिया, ठीक है, ये प्रोसेस हमारा जो है फुलफिल हो गया, हमने सेव कर लिया। अब हम ओपन कैसे करेंगे, न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट ऑलवेज ओपन व्हेन यू स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। जब भी आप एमएस वर्ड को स्टार्ट करोगे तो एक न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट, न्यू ब्लैंक जो आपका डॉक्यूमेंट है वो ओपन होता है। Suppose you want to start another new document while you are working on another document. So you close an already open document and want to start a new document. तो आप क्या करोगे? तो आप किस तरीके से करोगे? तो हम क्या करेंगे? File menu में जाएंगे, ठीक है?
डॉक्यूमेंट के लिए ब्लैंक डॉक्यूमेंट होता है, हम उसको भी जो है ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है, आया समझ में कि हम किस तरीके से अपने फाइल को सेव कर सकते हैं, नया डॉक्यूमेंट ले सकते हैं। ठीक है, नया डॉक्यूमेंट भी ले लिया हमने, सेव भी कर दिया। सेव करने का प्रोसेस समझ में आया, कंट्रोल प्लस एस की हेल्प से या फिर हम फाइल मेन्यू में जाके सेव का ऑप्शन कर सकते हैं। एज इट इज हम ओपन करने के लिए फाइल में जाके न्यू जो है आप वो कर सकते हो। ठीक है, ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट के लिए होता है, जो सेव फाइल्स होती है उनको अगर ओपन करना है तो फाइल मेन्यू में हमारे पास एक ओपन ऑप्शन भी होता है। ठीक है, और इसकी शॉर्टकट क्या होती है? ठीक है, इजी आया समझ में? इस तरीके से हम ये काम कर सकते हैं। तो क्लिक द फाइल टैब एंड सिलेक्ट द न्यू ऑप्शन। स्टेप टू, डबल क्लिक ऑन द ब्लैंक डॉक्यूमेंट। दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन इन द टेम्पलेट लिस्ट। हमारे पास एक टेम्पलेट लिस्ट आ जाती है तो उसमें हमारे पास ऑप्शन आता है ब्लैंक डॉक्यूमेंट। यू शुड हैव योर ब्लैंक डॉक्यूमेंट। यू कैन यूज अ शॉर्टकट टू ओपन अ ब्लैंक डॉक्यूमेंट एनी टाइम, यानी कि कंट्रोल प्लस एन। ठीक है, कंट्रोल प्लस एन की एंड यू न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट। ठीक है बच्चों, ओपनिंग एंड एक्साइटिंग डॉक्यूमेंट। अब हम क्या करेंगे, एक्साइटिंग डॉक्यूमेंट मतलब हमने कंट्रोल एन की हेल्प से तो हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेंगे, लेकिन जो एक्साइटिंग डॉक्यूमेंट है मतलब जो हमारा सेव किया गया हुआ डॉक्यूमेंट है वो क्या है, वो किस तरीके से हम लेंगे। देयर मे बी अ सिचुएशन when you open an exciting document and add it with parallelly or comparatively। मतलब क्या होता है कि मान लो हम एक document में काम कर रहे हैं तो हम चाहते हैं उसके अंदर अपना जो exciting document है वो भी हम open कर सके, तो
हम किसकी हेल्प से करेंगे, ओपन में कंट्रोल प्लस ऑफ, यानी कि फाइल में जाके हमारे पास न्यू भी होता है, ओपन भी होता है, सेव भी होता है, ये फाइल के ऑप्शन होते हैं। ठीक है, सेव करना है वो भी फाइल में, न्यू लेना है वो भी फाइल में, ओपन लेना है करनी है कोई फाइल तो वो भी हमें फाइल में ही मिलती है, यानी कि क्लिक द फाइल टैब एंड सेलेक्ट द ओपन ऑप्शन। ठीक है, स्टेप टू है दिस विल डिस्प्ले द फॉलोइंग फाइल ओपन डायलॉग बॉक्स, दिस लेट्स यू नेविगेट थ्रू डिफरेंट फोल्डर एंड फाइल एंड ऑल्सो लेट्स यू सेलेक्ट अ फाइल विच यू वॉन्ट टू ओपन, फाइनली लोकेट एंड सेलेक्ट अ फाइल विच यू वॉन्ट टू ओपन एंड क्लिक द स्मॉल ट्राइंगल अवेलेबल ऑन द ओपन बटन टू ओपन द फाइल, यू विल हैव डिफरेंट ऑप्शन टू ओपन द फाइल बट सिंपली यूज द ओपन ऑप्शन, दिस विल ओपन योर सेलेक्टेड फाइल। तो हमने क्या किया, हम चाहते हैं हम अपनी एग्जाइटिंग कोई फाइल ओपन करना चाहते हैं तो सिंपल कंट्रोल प्लस ओ की हेल्प से हम उसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये है आपका सेविंग का प्रोसेस, ये है ओपन का प्रोसेस, कंट्रोल प्लस एंड की हेल्प से आप न्यू फाइल जो है वो ओपन कर सकते हैं। तो ये तीनों चीजें हैं आपको आपस में जो है समझनी है। क्लोज करने से पहले वो आपसे पूछेगा कि आपको सेव करना है
आप सेव करना चाहते हो तो आप उस पर सेव का प्रेस करोगे, आप नहीं करना चाहते हो तो आप डोंट सेव का यूज करोगे। द सेव टू सेव द चेंज क्लिक सेव, अदरवाइज क्लिक डोंट सेव। टू गो बैक टू द डॉक्यूमेंट क्लिक कैंसिल, अगर आपको वो कैंसिल करना है तो आप कैंसिल कर सकते हो। दिस विल क्लोज द डॉक्यूमेंट एंड इफ यू हैव अदर डॉक्यूमेंट ओपन वर्ड डिस्प्ले द लास्ट डॉक्यूमेंट यू यूज, अदरवाइज यू सी अ ब्लैंक वर्ड। तो ये था हमारा एप्लीकेशन क्लोज करना है, तो आप सिंपल हमारे पास क्लोज का सिंबल होता है, हम वो कर सकते हैं। ठीक है, फाइल करनी है तो आप वो कर सकते हो, वो काम होगा वो हमारा फाइल मेन्यू में होता है। फाइल मेन्यू में यहाँ पे क्लोज का ऑप्शन होता है। ठीक है, इससे हम अपने डॉक्यूमेंट से बाहर आ जाते हैं। और एप्लीकेशन पूरा क्लोज करना है तो हमारे पास क्या होता है, ये बटन होता है, तो हम इस बटन का यूज करेंगे तो हम क्या हो जाएंगे, एप्लीकेशन से बाहर हो जाएंगे, एस्केप कर जाएंगे। नेक्स्ट क्लास में आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।